उत्तराखंड चारधाम यात्रा को शुरू होने में महज 5 ही दिन बचे हैं। जिला प्रशासन और गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर समिति तैयारियों में जुटा हुआ है। गंगोत्री धाम की अगर बात की जाए तो यहां पर मंदिर और बाजारों में अचानक रौनक दिखने लगी। वहीं स्नान के लिए घाटों का नव निर्माण किया जा रहा है। पूरे धाम में चारों तरफ जोरों शोरों से काम चल रहा है। जिलाधिकारी ने भी गंगोत्री धाम की यात्रा व्यवस्था का जायजा लिया। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। जो तैयारी है हमारी, मैं बहुत पहले से, इवन जब इलेक्शन चल रहा था उसमें मैंने यात्रा के लिए भ्रमण किया था एसपी साहब के साथ, और तब भी हम लोग देख रहे थे, पूरा एसेसमेंट हमने कर लिया था। और बहुत एक रोचक बिंदु यह है कि आपके आदर्श आचरण संहिता लगने से पहले जितने भी हमारे कुछ स्थायी टिकट के कार्य थे मरम्मत वाले, उनका पैसा हमने पहले ही सेंक्शन कर दिया था, तो आचार संहिता से हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा, हमारे काम शुरू हो गए थे। और यमुनोत्री यात्रा में जितने भी हमारे छोटे रिपेयर मरम्मत वाले काम है, चाहे जानकी चट्टी यमुनोत्री वाला हो या जानकी चट्टी में कुछ और अन्य बिजली के काम, पानी के काम, ये पूरे हो चुके हमारे। ऐसे हमारे गंगोत्री की तरफ भी हमारे पहले काम हो चुके थे। अब जो अस्थायी प्रकार के काम है, जैसे आपकी सिंचाई का, आपका शौचालय का है, सफाई का है, ये काम हमारे बस अंतिम स्टेज पे है, ये भी हमारे जल्दी पूरा हो जाएगा। हम ये हरियाणा से, हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगा बच्चों के साथ हमारा सफर अच्छा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे सड़क इतनी अच्छी है कि हमें कोई परेशानी नहीं, बच्चों ने भी बिल्कुल परेशान नहीं किया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे आना चाहिए और मज़े करने चाहिए और दर्शन भी करने चाहिए। बस मैं इतना कहूँगी कि आइए अपने इस वैली का अपना लुत्फ़ उठाइए, बहुत ही प्यारी वैली है, बहुत ही प्यारी। अच्छा रास्ता है, हम हरियाणा से आए हैं नारनौल से, तो 10-12 घंटे लगे हमें, लेकिन यहाँ पे आके हमें लग रहा है कि काफ़ी बच्चों का आना, लेकिन मंदिर का गेट तो अभी खुला नहीं है, तो काफ़ी अच्छा है, वेदर बहुत अच्छा है और रास्ते में भी ऐसी कोई परेशानी नहीं है। रोड ऐसे अच्छे बन गए हैं, गवर्नमेंट ने ऐसे अच्छे बना दिए, तो काफ़ी अच्छा है मौसम यहाँ पर। मुझे लगता है कि और भी लोगों को ये अनटच जगह, अभी कम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अर्शी वैली भी बहुत सुंदर है, जगह ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुझे लगता है कि यहाँ पे आना चाहिए दर्शन करने के लिए।